भौकाल बनाए रखे के लिए भय बनाए के रखना बहुत जरूरी है। कैच सर, अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, देखा आपने? जी देखा, बहुत शानदार ट्रेलर, शानदार एक्शन, शानदार फिल्म होने वाली है, मजा आने वाला है। क्या खास लगा सर आपको ट्रेलर? सर बेहतरीन एक्शन, जबरदस्त, मतलब कुल मिला के अक्षय कुमार की फिल्म है तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त। मतलब काफी टाइम के बाद वैसे अक्षय कुमार की जो फिल्में आ रही थी बीच में, वो कई चीजों में ऐसा हो रहा था कि दर्शकों को पसंद नहीं आ रही थी, पर ये अक्षय कुमार का जो रोल होता है ना, राउडी राठौर की याद आ गई, इस प्रकार के रोल में दर्शक पसंद करते हैं। तो जो गैंगस्टर वैंगस्टर वाला जो उनका लुक लग रहा है ना, एकदम शानदार, वो पत्थर की आंख लगा रहा है, वो ऐसे करके मार के दिखा रहा है, बहुत ही शानदार लग रहा है। एक्शन वैक्शन शानदार लग रहा है और कृति सनन भी अच्छी लग रही है अपने रोल में, बढ़िया। अच्छा ट्रेलर के डायलॉग्स कैसे सर? डायलॉग्स वायलॉग्स बढ़िया, शानदार है, डायलॉग्स तो अच्छे हैं, कॉमेडी लग रही है। जैसे अरशद वारसी को लिया ही इसलिए गया है कि अरशद वारसी कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे हैं कृति सेनन के साथ, जैसे वो फिल्म बना रही है कृति सेनन, इसमें अक्षय कुमार के ऊपर जो फिल्म बना रही है अपनी, के उनके गैंगस्टर के ऊपर फिल्म बनाना है उनको, वो सब करना है, तो वो जो ऐसा परेशानी वरेशानी बता रहा है, वो दिक्कत आ रही है कि वो इनको भी जान से मार सकता है, वो सब चल रहा है, वो देखने में बड़ा शानदार लग रहा है और काफ़ी कुछ मतलब प्रॉमिसिंग लग रहा है। और जैसे कृति सेनन का रोल भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हुई नजर आ रही है, और साथ में संजय मिश्रा को जैसे लिया, तो संजय मिश्रा भी इतनी अच्छी कॉमेडी करेंगे, बाकी पंकज त्रिपाठी दिख रहा है कॉमेडी करते हुए, तो शानदार, मतलब मुझे लग रहा है फुल ऑन एंटरटेनमेंट फिल्म होने वाली है, क्योंकि ट्रेलर काफ़ी लंबा दिया है, काफ़ी बड़ा दिया है, और अब तो ज़्यादा वक्त बचा नहीं है फिल्म को, केवल एक महीने का ही टाइम बचा हुआ है, तो थिएटर्स में मजा आने वाला है, बेहतरीन फिल्म लगने वाली है। अच्छा ट्रेलर में जैकलिन फर्नांडिस भी दिखाई गई हैं, उनका लुक कैसा लगा आपको? हाँ अच्छा लगा, हालांकि इतना ज़्यादा उनको ट्रेलर में दिखाया नहीं है, काफ़ी बाद में एंड में लगभग ट्रेलर में दिखाया है उनको, शायद उनकी गर्लफ्रेंड बनी है ऐसा कुछ समझ में आ रहा है देखने में, कि बच्चन पांडे की कोई पहले कोई गर्लफ्रेंड रही है जिसको मार दिया, ऐसा कुछ पता नहीं, बट वो बहुत बढ़िया लग रहा है। और मेरे ख्याल से जैकलिन फर्नांडिस ज़्यादा अच्छी, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड था कि जैकलिन फर्नांडिस का रोल अच्छा होगा और वो अच्छी लगेगी, पर कृति सेनन ज़्यादा अच्छी लग रही है, और मेरे ख्याल से मेन रोल कृति सेनन का ही है अक्षय कुमार के साथ में। अच्छा और क्या खास लगा आपको सर ट्रेलर में? बाकी मुझे लगता है एक्शन, एक्शन पैक्ड फिल्म है और एक्शन बहुत, मुझे तो सबसे अच्छी जो मतलब की पॉइंट जो मतलब सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है ट्रेलर के अंदर, वो लग रहा है उसका एक्शन, एक्शन बहुत शानदार लग रहा है, बेहतरीन एक्शन है और शानदार, मतलब परफॉर्मेंस पूरी तरह से अक्षय कुमार खींच लेंगे पूरी फिल्म को, और दर्शक जो इतने समय से देखना चाह रहा था ना अक्षय कुमार की जैसी फिल्म, ये वैसी फिल्म लग रही है, और मुझे लग रहा है कि बहुत ही शानदार कमाई करेगी ये बॉक्स ऑफिस पर, ज़बरदस्त कमाई करेगी, बहुत गजब की फिल्म है ये। अच्छा आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे सर ट्रेलर? मैं तो पूरे 5 में से 5 स्टार दूंगा सर, क्योंकि शानदार ट्रेलर है, ज़बरदस्त ट्रेलर है, और मैं ये बोलूंगा कि जिसने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तुरंत जाके देख लो, और फिल्म का इंतजार मुझे लगता है हर व्यक्ति करेगा जो भी इसका ट्रेलर देखेगा, क्योंकि एकदम बेहतरीन फिल्म है, सब कुछ है इसके अंदर, कॉमेडी दिख रही है, रोमांस भी दिख रहा है जैकलिन फर्नांडिस के साथ में, ठीक है कॉमेडी भी दिख रही है, अरशद वारसी कॉमेडी कर रहा है, संजय मिश्रा कर रहे हैं, पंकज त्रिपाठी कर रहे हैं, फुल ऑन एंटरटेनमेंट फिल्म है, अक्षय कुमार फिल्म पूरी संभाल रहे हैं अपने दम के ऊपर, शानदार एक्शन है फिल्म के अंदर, सब कुछ ज़बरदस्त है, बेहतरीन फिल्म है, 5 में से 5 स्टार दूंगा, मजा आने वाला है। अच्छा जिस तरह से पिछले साल सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाया था, क्या लगता है बच्चन पांडे उससे ज़्यादा कमाई कर पाएगी? कमाई का तो मुझे लगता है कि देखने वाली बात हुई, क्योंकि जब सूर्यवंशी लगी थी कोई और फिल्म नहीं थी, वो अकेली फिल्म लगी थी काफ़ी लंबे समय के बाद कोरोना के बाद, तो इसलिए 200 करोड़ के लगभग कमाई भी कर ली थी, और बच्चन पांडे का ऐसा है कि 18 को लगेगी तो फिर 1 या 1.5 हफ्ते के बाद ही मेरे ख्याल से वो फिल्म लग रही है ट्रिपल आर फिल्म लगने वाली है, तो फिर मुझे लगता है कि ट्रिपल आर लगने के बाद तो बच्चन पांडे का बिजनेस कम होना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर मुझे लगता है शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त होगी और मेरे ख्याल से 100 करोड़ के ऊपर तो मेरे ख्याल से कर ही लेगी ये पहले ही हफ्ते के अंदर आराम से। अक्षय कुमार के फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अक्षय कुमार के फैंस के लिए ये कहूँगा कि भाई देखने वाली फिल्म है, क्योंकि सूर्यवंशी के बाद से अब अक्षय कुमार की एक बेहतरीन फिल्म आने वाली है शानदार, क्योंकि बीच में अतरंगी रहे वतरंगी रहे जिस प्रकार की फिल्में आ गई थी, दर्शक आमतौर पर इतना इस तरह की फिल्में एक्सपेक्ट नहीं करता है, उसको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती थी, ओटीटी में जो फिल्में आई थी वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, जैसे सेल्फी वेल्फी का भी जो टीज़र आया था वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर ये जो फिल्म आ रही है ये फिल्म ऐसी है जिसका दर्शक इंतजार कर रहे थे और ट्रेलर भी उस प्रकार का दिया कि दर्शकों को मज़ा आ रहा है, तो बेहतरीन फिल्म है और मैं तो देखने वाला हूँ।